हकीम साहब, बात करना चाहूँगी मैं पैरों के दर्द के बारे में ही। पैरों की बड़ी सारी परेशानियाँ हो गई हैं हकीम साहब। पहले दर्द होता है, फिर सूजन हो जाती है, फिर गठिया हो जाती है। गठिया के बाद व्यक्ति के पैर क्या है, मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे, स्पेशली महिलाएं जिनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, और जब वो ऑपरेशन कराती हैं तो ऑपरेशन एक तो बहुत महंगा होता है हकीम साहब, क्योंकि ऑपरेशन कराने से पहले भी व्यक्ति 10 बार सोचता है कराएं या नहीं कराएं। तो उसके बाद भी मैंने देखे हैं, मैंने अपने खुद के घर में ही देखी हैं कि उनका दर्द ख़त्म ही नहीं हुआ है। इतना सारा पैसा लगा दिया और पैरों की जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो ऐसा एक तो क्यों हो जाता है कि हमारे पैरों की एकदम शेप ख़राब हो जाती है? डॉक्टर्स तमाम तरीके की बातें कह देते हैं, कटोरियाँ ख़राब हो गई हैं, बदलवानी पड़ेगी, ग्रीस ख़त्म हो गई है, ये इतनी सारी चीज़ें क्यों बोल दी जाती हैं? और बोल दी जाती हैं तो ऑपरेशन कर दिया तो वो फिर ठीक भी हो जानी चाहिए ना। जोड़ों का दर्द, पैरों का दर्द या घुटनों का दर्द या कमर का दर्द एक रोग है जो 40-45 साल के बाद सबको हो ही जाता है। जी जी बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको नहीं होता, लेकिन ये होता ज़रूर है किसी को और ज़्यादा उम्र में। अब इसका हमें इलाज मिलना चाहिए, मतलब ऐसी कोई दवा हो जिससे इसका मरस ठीक हो जाए, ना कि ऐसी कोई दवा हो कि जिससे इसका एहसास खत्म हो जाए। तो हम जो एलोपैथिक दवा खाते हैं तो वो रोग तो वहीं रहता है, लेकिन उस दर्द का एहसास हमें खत्म हो जाता है। जब भी हमारे कहीं दर्द होता है तो वो दर्द की दवा नहीं होती, वो एहसास ख़त्म करने की दवा होती है। तो इसलिए क्योंकि रोग ही ठीक नहीं हुआ तो फिर हमारे हड्डियाँ में क्या प्रॉब्लम आ जाए, वो टेढ़ी हो जाए, क्योंकि रोग तो गया नहीं, एहसास ख़त्म हो गया। तो मैं जो यूनानी दवाएं बताता हूँ ये एहसास ख़त्म नहीं करती, ये रोग ख़त्म करती है। या तो यूं करें कि एक वो दवा जो एहसास ख़त्म करती है वो लें, और एक ये यूनानी दवा जो रोग ख़त्म करती है वो लें साथ में, यूं भी कर सकते हैं। यूनानी में कोई दर्द की दवा तो होती ही नहीं है, और हालांकि दर्द की दवाएं होती भी हैं तो वो सब एलोपैथ वाले इस्तेमाल करते हैं, यूनानी वाले दर्द की दवाएं इस्तेमाल नहीं करते। और हम लोग कहते हैं कि आप दर्द की दवा ले लो, काफ़ी दवाएँ एलोपैथ में भी यूनानी दवाओं से बनती है, आयुर्वेद से बनती है। तो ऑपरेशन इसका निवारण नहीं है, और मैंने कभी किसी ऑपरेटेड मरीज को आज तक कामयाब होते हुए नहीं देखा। बस कोशिश करते हैं कि लोग ऑपरेशन से पहले मेरे बताए हुए नुस्खे अगर इस्तेमाल करें तो उसमें बेशतर लोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। वो जो मैं बताता हूँ गौंसिया, वो एक दुनिया की सबसे अच्छी रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, जो अगर असली मिल जाए तो। इसमें भी बड़ी बेईमानी है कि लोग नकली बेचते हैं, फ़ायदा नहीं हो। तो असली लेना, असली की जिम्मेदारी लेना, असली इस्तेमाल करना, अगर किसी को असली मिल जाए गौंदसिया। देखिए गौंदसिया बेशुमार लोग बेच रहे हैं अमेज़ॉन पर और दूसरी साइट पर, और काफ़ी लोग नकली बेच रहे हैं। आप भरोसा वाली साइट से लें, हमारी भी साइट है अमेज़ॉन पर, वहाँ से भी ले सकते हैं। आधा आधा ग्राम खाना होता है, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को दूध या पानी से खा लिया करें। अगर कहीं भी आपके दर्द है, आपकी नसों में दर्द है, बिंडलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, मोंडों में दर्द है, ये मैंने अपने अनुभव में आज तक इससे बेहतर दवा रॉ मटेरियल में नहीं देखी।